बंदरों की 10 सबसे खूबसूरत और अमेजिंग प्रजातियाँ। गली मोहल्ले और चौक चौराहे पर तो आपने बहुत सारे बंदर देखे होंगे। गली मोहल्ले में दिखने वाले सभी बंदर आमतौर पर एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन जब आप जंगल में बंदरों की दुनिया में झांकेंगे, तब आपको एक से बढ़कर एक बंदरों की प्रजाति देखने को मिलेगी। दुनिया में बंदरों की दर्जनों प्रजातियाँ पाई जाती है। साइज, लुक और बिहेवियर के मामले में सभी बंदर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में दुनिया के ऐसे सबसे खूबसूरत और अमेजिंग बंदरों के बारे में जानते हैं जो बेहद ही अजीब हैं। इन बंदरों को आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा और कुछ प्रजातियां तो ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इसके अलावा हम आपको वीडियो में एक ऐसे बंदर को दिखाएंगे जो खुद ही आत्महत्या कर लेता है। तो चलिए फिर बंदरों की दुनिया में हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और साथ में बगल में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना, अच्छा लगता है, जल्दी से कर दो लाइक। नंबर 10, व्हाइट फेस्ड साकी। दोस्तों, बंदरों की ये प्रजाति ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सुरिनेम और वेनेजुएला में पाई जाती है। सफेद चेहरे और काले शरीर की वजह से ये बंदर काफी मशहूर है। इस बंदर का ऑलमोस्ट पूरा चेहरा सफेद बालों से ढका होता है, जबकि चेहरे के अलावा पूरे शरीर पर काले बाल होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन इस बंदर को यूनिक लुक देता है। ये पेड़ों पर ही रहते हैं, लेकिन खाने की तलाश में नीचे भी आ जाते हैं। इनका मुख्य भोजन फल, नट्स, फलों के बीज और छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। मेल साकी की लंबाई 33 से 40 सेंटीमीटर और वजन 1.8 से 2.4 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि फीमेल साकी की लंबाई 32 से 40 सेंटीमीटर और वजन 1.4 से 1.9 किलोग्राम तक होता है। इनका जीवन काल लगभग 14 सालों का होता है और ज्यादातर साकी अपना सारा जीवन एक ही पार्टनर के साथ बिताते हैं। नंबर 9, ट्रेसियर। ट्रेसियर बंदरों की सबसे छोटी प्रजाति है। ये मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशियाई देश फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। उल्लू की जैसी बड़ी बड़ी आंखें इस बंदर को यूनिक लुक देती हैं। ये ब्राउन कलर के होते हैं। इनकी लंबी उंगलियां इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती हैं। ट्रेसियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी आंख ब्रेन के आकार से भी बड़ी होती है। ये पेड़ पर ही रहते हैं। बंदरों की ये प्रजाति इंटायरली कैनिवोरस है। ये आसानी से उपलब्ध मकड़ी, कॉकरोच, इंसेक्ट्स इत्यादि का शिकार करते हैं। कई बार पक्षी, सांप और छिपकली का भी शिकार कर लेते हैं। ट्रेसियर की शरीर की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है, जबकि पूंछ की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। इनका वजन 80 से 160 किलोग्राम तक होता है। ट्रेसियर बंदर की एक और प्रजाति पिग्मी ट्रेसियर है, जो दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। इसका वजन मात्र 31 ग्राम होता है। ट्रेसियर के बारे में एक और खास बात यह है कि जब इन्हें बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब ये किसी सॉलिड सरफेस पर अपना सिर पटक कर सुसाइड कर लेते हैं। है ना कितनी अजीब बात। नंबर 8, बॉल्ड उकारी। बंदर की इस प्रजाति को बॉल्ड उकारी यानी गंजे सिर की वजह से जाना जाता है। इस बंदर के पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, लेकिन सिर गंजा होता है। ये ब्राजील और पेरू के जंगलों में पाए जाते हैं। बाकी बंदरों की तरह ये भी पेड़ों पर ही रहते हैं। ये पेड़ों पर रहकर अपना भोजन जुटाते हैं। ये मुख्य रूप से फल, पत्ते और इंसेक्ट्स खाते हैं। बॉल्ड उकारी का जबड़ा काफी पावरफुल होता है, जिसका उपयोग वे मजबूत ब्राजील नट को तोड़ने और दुश्मनों से लड़ाई में करते हैं। भोजन की कमी होने पर ये पेड़ से नीचे भी आते हैं। इनका वजन 2.75 से 3.45 किलोग्राम और औसत लंबाई 44 से 45 सेंटीमीटर तक की होती है। बॉल्ड उकारी का चेहरा लाल होता है। जिस बंदर का चेहरा ज्यादा लाल होता है, वो उतनी ही आसानी से पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नंबर 7, गिलैडा। गिलैडा बबून प्रजाति का क्लोज रिलेटिव है। ये सिर्फ अफ्रीकी देश इथोपिया में ही पाया जाता है। इस बंदर के सीने पर लाल रंग की एक आकृति बनी होती है। इस वजह से ब्लीडिंग हार्ट मंकी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बंदर जमीन पर रहते हैं और सिर्फ घास खाते हैं। इनके घास खाने का तरीका भी बाकी जानवरों से पूरी तरह से अलग है। ये ग्राउंड पर बैठकर घास को अपने हाथों से उखाड़ते हैं और फिर इसे खाते हैं। ऐसी यूनिक एबिलिटी वाली बंदरों की ये अंतिम प्रजाति है। पहले ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती थी जो बैठकर अपने हाथों से घास खाते थे, पर अब गिलैडा को छोड़कर सभी विलुप्त हो चुके हैं और गिलैडा भी विलुप्त होने की कगार पर है। इसका वजन 16 से 18 किलोग्राम तक का है और लंबाई 62 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर और सिर के बाल दूसरे बंदरों के मुकाबले ज्यादा लंबे होते हैं, जो कि इसे दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस राज्य, किस जिले या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, ये हमें जल्दी से नीचे कॉमेंट करके बताइए। नंबर 6, डीब्रेजाज मंकी। दोस्तों, डीब्रेजाज मंकी अपने खूबसूरत और यूनिक लुक के कारण काफी मशहूर है। ये मुख्य रूप से सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ये नदी के आसपास के जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं और आमतौर पर पेड़ों पर ही रहते हैं,
लेकिन ग्राउंड पर कभी कभी आते रहते हैं। इनका मुख्य भोजन फल फूल पत्ते हैं। मौका मिलने पर ये छिपकली और दूसरे छोटे जीवों का भी शिकार कर लेते हैं। डी ब्रेजाज मंकी की लंबाई 75 से 93 सेंटीमीटर और वजन 3 से 3.4 किलोग्राम तक होता है। इसके शरीर के बाल काफी खूबसूरत होते हैं और ये कुछ हद तक कैसोवरीज पक्षी के पंख से भी मिलता जुलता है। इसकी आंखों के ऊपर बालों का रंग गोल्डन होता है, जबकि मुंह और उसके नीचे का हिस्सा सफेद होता है। इनका जीवन काल लगभग 22 साल का होता है। नंबर 5, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। इस बंदर का क्यूट लुक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मुख्य रूप से साउथ वेस्ट चाइना में पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। ये पेड़ों पर ही रहते हैं। इनका भोजन फल फूल पत्ती इत्यादि है। इनका शरीर गोल्डन और ब्राउन कलर का होता है। शरीर पर हल्के लंबे बाल होते हैं जो कि इन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 65 सेंटीमीटर और वजन 13 किलोग्राम तक का होता है। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी अपने साहस के लिए काफी मशहूर हैं। ये बड़े से बड़े जानवरों का पीछा करके अपने एरिया से भागने के लिए जाने जाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 25 साल का होता है। प्रोबोस्किस मंकी। दोस्तों, प्रोबोस्किस मंकी को लंबे नाक की वजह से जाना जाता है। इस प्रजाति की मेल बंदर की नाक की लंबाई 4 इंच तक हो सकती है, जो कि बंदरों की सभी प्रजातियों में सबसे ज्यादा लंबी है। ये बंदर साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो आइलैंड पर पाया जाता है। ये नदी के पास वाले जंगलों में रहते हैं और सारा समय पेड़ों पर ही रहते हैं। इनका मुख्य भोजन पत्ते फल और फूल है। मेल प्रोबोस्किस की लंबाई 66 से 76 सेंटीमीटर और फीमेल की लंबाई 53 से 64 सेंटीमीटर तक होती है। मेल के मुकाबले फीमेल प्रोबोस्किस की नाक काफी छोटी है और सामान्य बंदरों की जैसी है। मेल प्रोबोस्किस अपने लंबे नाक से फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप में 5-7 फीमेल और उसके बच्चे होते हैं। वहीं इन सब की निगरानी सिर्फ एक मेल करता है। यही एक मेल भी सभी फीमेल का पार्टनर होता है। नंबर 3, रेड शैंक डॉग। अपने कलरफुल लुक के कारण काफी मशहूर है। ये लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के जंगलों में पाए जाते हैं। ज्यादातर बंदरों की तरह ये भी सारा समय पेड़ों पर ही रहते हैं। इनका मुख्य भोजन कच्चे फल फूल और पत्ते होते हैं। मेल रेड स्नैक डॉग का वजन 10 किलोग्राम और फीमेल का वजन 3.6 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसकी लंबाई 54 से 61 सेंटीमीटर की होती है। इसकी कलाई का रंग सफेद, अपर लेग्स का रंग ब्लैक और ग्रे लोअर लेग्स का रंग गहरा लाल, जबकि हथेली और पैर ब्लैक कलर के होते हैं। वहीं इसके चेहरे का रंग येलो ऑरेंज होता है। इसका जीवन काल 25 साल का होता है। नंबर 2, एम्परर टमैरिन। इस बंदर का नाम जर्मन एम्परर विलियम सेकंड से इंस्पायर्ड है। इसकी वजह यह है कि इस बंदर और एम्परर विलहम सेकंड की मूछें काफी मिलती जुलती हैं। ये मुख्य रूप से पेरू, ब्राजील और बोलिविया में पाए जाते हैं। ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते हैं। इनका मुख्य भोजन फल और इंसेक्ट्स हैं, लेकिन ये सब्जी और पत्ते भी खाते हैं। एम्परर टमैरिन की लंबाई मात्र 9 से 10 इंच की होती है। वहीं इसका वजन भी काफी कम, लगभग 460 ग्राम तक होता है। सफेद लंबे मूछ के कारण ये बंदर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेल, फीमेल और बच्चों में भी लंबी मूछें होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 20 साल का होता है। नंबर 1, गीज गोल्डन लंगूर। दोस्तों, गीज गोल्डन लंगूर भारत के असम राज्य और भूटान के ब्लैक माउंटेन एरिया में पाया जाता है। इसका पूरा शरीर गोल्डन कलर का होता है, जबकि चेहरे का रंग ब्लैक होता है। ये भी पेड़ों पर ही रहते हैं और दूसरे बंदरों की तरह ही फल फूल और पत्ते खाते हैं। गोल्डन लंगूर के शरीर की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, वहीं पूंछ की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसका वजन 8 किलोग्राम तक का होता है। गोल्डन लंगूर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। भारत में इनकी कुल संख्या मात्र 1500 है, जबकि भूटान में 400 ही बची है। दोस्तों, इनमें से किस बंदर का लुक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इनमें से किसे सबसे पहले देखना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।